गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस वीडियो इज फॉर क्लास थर्ड। सब्जेक्ट इज मैथ्स, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट करने के बाद उसके बाद बेटा हमके एक एक्सरसाइज है, असेसमेंट शीट 2, पेज नंबर 92 पे है असेसमेंट शीट 2। ओके, पेज नंबर 92 असेसमेंट शीट 2, ये आपको अपने आप कर रही है। जितना भी आप सिलेबस पढ़ चुके हो ना, उसी में से है ये, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि जो पेपर आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव, सभी आपने पेपर दिए रिसेंटली तो आपको पता होंगे ऑब्जेक्टिव फिलअप्स आते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव्स और फिलअप्स जो हैं वो रिकॉल हो जाएंगे, अच्छे से आपको प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, फ्रैक्शन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। आपको पता है, मैंने एक नंबर लिखा 1। 1 क्या है? नंबर, ठीक है। आप बोलोगे नंबर है, लेकिन कैसा नंबर है? ये होल नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 पूरा है ना, 1 पूरा है। जैसे मैंने लिखा ये सर्किल, आप शेप पे आ जाओ, ये सर्किल पूरा है ना। तो कोई भी चीज़ अगर कंप्लीट होती है तो उसको कहते हैं होल थिंग और होल नंबर। ये नंबर पूरा है, ये सर्किल पूरा है, तो इसको क्या बोलेंगे? होल सर्किल और होल नंबर। कंप्लीट कोई भी चीज़ होती है वो पूरी होती है। लेकिन अगर हम इसमें से क्या करें, हाफ करें या फिर 1/4 इसकी क्या करें, पार्टीशन कर लें। जैसे मैंने 1 को, मैंने कहा 1 में से आप 0.50 को हटा दो, मतलब 1 रुपीज़ था, उसमें से 50 पैसा मैंने हटा दिया, तो अब कितना बचेगा? 50 पैसा बचेगा ना। 1 का आपके पास कॉइन है, तो उसमें से अगर आप आधा हटा देंगे तो 50 पैसे के 2 कॉइन चाहिए ना आपको, तो ये 2 हो गए, ठीक है। तो अब कितने हो गए? इसके 2 पार्ट्स कर दिए। तो इन 2 पार्ट्स को आप इस तरीके से नहीं लिखोगे। मैथमेटिकल में हम कैसे शो करते हैं इस पार्ट को? मैंने कहा मैंने 1 पार्ट लिया, ठीक है। हम इस डायग्राम से आपको ईजिली समझ में आएगा, मैंने इसके 2 पार्ट्स किए, ठीक है। अब आप कहोगे कि होल सर्किल, तो ये पूरा आएगा, लेकिन किसी ने कहा मुझे तो इसका हाफ पार्ट चाहिए। कौन सा पार्ट चाहिए? ओनली हाफ, ये हाफ नहीं चाहिए। तो अब इसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे? हाफ इंग्लिश में लिखेंगे HALF, हाफ नहीं। कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे हमें कितना पार्ट, देखो टोटल नंबर ऑफ पार्ट 2, और हमें कितना नीड है? 1 की। तो जितनी की हमें नीड होती है वो आता है ऊपर, ठीक है। फिर हम डिवीज़न की लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर कितने हैं पार्ट्स के? 2। तो ये इसका फ्रैक्शन बन गया हाफ का। जब भी हम मैथ्स में हाफ लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 1/2। समझ आ गया? शेडेड पार्ट, देखो आप एक और फॉर्मूले से लर्न कर सकते हो, शेडेड पार्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। फ्रैक्शन इक्वल्स टू शेडेड पार्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, द पार्ट्स वी नीडेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। अब मैंने कहा कि मुझे हाफ भी नहीं चाहिए, हाफ का भी हाफ चाहिए, हाफ का भी हाफ। तो देखो एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की, दूसरी मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, ये हो गया ना हाफ का भी हाफ। तो कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स। उसमें से मुझे रिक्वायरमेंट है ओनली 1 की। कितने की? ओनली 1 की। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? कैसे लिखते हैं हम? शेडेड पार्ट 1 और टोटल पार्ट्स 1, 2, 3, 4, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4, ठीक है। तो कितना हो गया? 1/4। इसको क्या बोलेंगे? 1/4। किसी भी चीज़ का 1/4 कितना होता है? 1/4 सिंगल का। अगर डबल होगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रिपल होगी तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस फ्रैक्शन को हम जितने नंबर्स हमें चाहिए, क्वांटिटी जितनी बढ़ाएंगे उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं? 1/4, ठीक है। आया समझ में? अब आते हैं, जैसे मैंने ये इसकी कहा, अब आपको अगर 2 पार्ट चाहिए तो हम क्या, जैसे मैंने, मुझे चाहिए 3, इसमें से 3 पार्ट चाहिए। तो अब देखो शेडेड पार्ट कितने हो गए? 3, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट सेम 4th, तो ये क्या हो गया? 3/4। इसको क्या कहेंगे? 3/4।
ठीक है। और एक आता है हमारा, इसका मुझे 3 पार्ट्स करने हैं, एक नंबर, एक किसी भी शेप के किसी भी चीज़ का आपको 3 पार्ट्स करने, उसमें से एक की रिक्वायरमेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे 3, और हमें रिक्वायरमेंट है एक की, तो ये होता है 1/3। किसी भी नंबर का 1/3 क्या होता है, 1/3। किसी भी नंबर का 1/3 क्या होता है, 1/3। तो ये होते हैं हमारे फ्रैक्शंस का बेसिक बेस यही होता है, इन्हीं के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी फ्रैक्शंस है उनको शो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, सबसे पहले ये फ्रैक्शन आपको समझ में आ गई। अब देखो, जो अबाउट डिजिट होता है ना फ्रैक्शन में, जो ऊपर वाला डिजिट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूमिनेटर। ओके, इसको क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर। और जो बिलो नंबर, बिलो डिजिट होता है, दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर समझ में आ गया। किसी भी फ्रैक्शन का अबाउट डिजिट, इट्स अबाउट डिजिट ऑफ अ फ्रैक्शन इट्स कॉल्ड न्यूमिनेटर, एंड बिलो डिजिट ऑफ अ फ्रैक्शन इट्स कॉल्ड डिनोमिनेटर। समझ आ गया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हमारी जो एक्सरसाइज है, अब इतना तो आपको बेसिक तो क्लियर हो गया, मतलब हमारा फ्रैक्शन का बेसिक इतना ही होता है, उसको आपको क्लियर कर लिया। अब जो एक्सरसाइज है वो बुक में ही करेंगे बेटा, तो वो वीडियो हम बुक की वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। 7.1 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको होमवर्क क्या है, सबसे पहले आपको असेसमेंट शीट करनी है, ठीक है, असेसमेंट शीट 2 डू इन योर नोटबुक, एंड क्लियर द थ्योरी ऑफ फ्रैक्शन। आपके पास देखो थ्योरी दी हुई है 95 पेज नंबर पे जो थ्योरी दी हुई है ना, आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे आपके और भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो वो क्लियर आउट हो जाएगा। क्लियर, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू आवर एक्सरसाइज 7.1। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।